हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में का पर्पस जो है, यहाँ हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि पीएसयू ज्वाइन करने के बाद का लाइफ कैसा रहता है, पीएसयू ज्वाइन करने के बाद का करियर प्रोस्पेक्ट क्या है। तो इस सेशन में हम लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं, जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, जिनका आप ऑलरेडी इस चैनल पर क्लासेस करते रहते हैं, और वो एक बहुत लंबे समय से, लगभग 8 साल से एनटीपीसी के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पीएसयू ज्वाइन करने के बाद पीएसयू का लाइफ कैसा रहता है, टॉक्स कैसा रहता है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहता है। सो हरेन सर, वेलकम टू द दिस सेशन। थैंक यू सर। तो इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, हम लोग थोड़ा वापस जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि स्टूडेंट्स को सर का इंट्रोडक्शन जानने की कुछ बहुत ज्यादा जरूरत है। सर ऑलरेडी, सर का जो हिंदी का लेक्चर सीरीज है, ऑलमोस्ट मोर देन 1 लाख व्यूज जनरेट कर चुका, काफी स्टूडेंट सर से जुड़े हुए हैं, और बाकी जो सर के टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उनके थ्रू भी बच्चे सर से जुड़े रहते हैं। तो सर चालू करते हैं शुरुआत से, कब आपने एनटीपीसी ज्वाइन किया था? मैंने एनटीपीसी ज्वाइन किया था 2012 में, और अगस्त में हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी। आफ्टर दैट एनटीपीसी का जो प्रोसीजर होता है, ट्रेनिंग एंड ऑल, उसके बाद पोस्टिंग एंड ऑल, तो अगस्त में ज्वाइनिंग हुई थी हम लोगों की, 2012। तो बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं, तो आपका जो सिलेक्शन हुआ था वो इंडिविजुअल एग्जाम के थ्रू हुआ था या गेट के थ्रू हुआ था? नहीं नहीं उस टाइम फर्स्ट टाइम गेट से लेना शुरू किया था एनटीपीसी ने। उससे पहले एनटीपीसी गेट से नहीं लेता था, जैसा कि सब जानते ही होंगे कि आईओसीएल और बार्क ही उस टाइम गेट से लेता था 2011 तक। 12th में हमारा भेल, एनटीपीसी और डीबीसी, ये तीन और ऐड हुए थे, तो उसी 2012 वाली स्कोर से मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ था। और भी सिलेक्शन हुए थे बट मैंने एनटीपीसी ज्वाइन किया था। तो कितना गेट रैंक था जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ था? मेरा गेट रैंक उस समय 176 था, तो उसमें हुआ था, आईओसीएल में भी हुआ था, इसमें भी हुआ था। मार्क्स मेरा उस समय 75 के आसपास था, अराउंड 75 मार्क्स था और 176। उस टाइम उतना हां, कौन सा पीएसयू में अपॉर्चुनिटी मिला जहां पे आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ था? फाइनल सिलेक्शन मेरा आईओसीएल में हुआ था, और उस समय डीवीसी था, डीवीसी में भी हुआ था और भेल में भी हुआ था, पीएससी में सब में सिलेक्शन हुआ था। कम से कम 4-5 पीएससी आपने फाइनल कवर किया, तो फिर आपने एनटीपीसी के साथ क्यों कंटिन्यू किया? उस टाइम जितने एनटीपीसी के साथ कंटिन्यू करने का थोड़ा सा एडवांटेज है कुछ, मैं अभी आप ड्यूरिंग द सेशन डिस्कशन में पता चलेगा कि क्यों ज्वाइन किया था। एनटीपीसी और पीएसयू से थोड़ा सा हटके है, इसमें लाइफ वर्क बैलेंस बहुत अच्छा है, और आपकी ऑल ओवर इंडिया लोकेशन पोस्टिंग है, उसका भी एडवांटेज मिलता है। और दूसरा और थोड़ा सा आप अगर टेक्निकल में आप ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पर टेक्निकल काम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम आईओसीएल देखें तो। आईओसीएल में मैक्सिमम इंजीनियर्स को मैंने देखा कि मार्केटिंग में पोस्टिंग कर देते हैं, तो मार्केटिंग में पोस्टिंग कर देते हैं इंजीनियरिंग के बाद, तो थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल लगता था, इसलिए मैंने टेक्निकल फील्ड में रहने के लिए ही एनटीपीसी को चुना। तो शुरुआत से चालू करते हैं, आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए, उसके बाद फर्स्ट ईयर तो ट्रेनिंग रहा होगा? हाँ हाँ, जैसे ही हम सिलेक्ट होते हैं उसके बाद फाइनल जब आपके पास लेटर आ जाता है तो उसके बाद एनटीपीसी कॉल करता है, जो प्रोसीजर है उनका मेडिकल के लिए, ठीक है, तो आपको दिल्ली में बुलाता है। दिल्ली में इनके बदरपुर, दादरी दो प्लांट हैं, अभी तो बदरपुर बंद हो गया है, उस समय बदरपुर और दादरी दो प्लांट हैं, उनमें बहुत बड़ा हॉस्पिटल है इनका, तो ये खुद से ही मेडिकल करते हैं एग्जामिन आपका। मेडिकल होने के बाद आपका कंफर्म होता है और 8 दिन का वहां पर एक ओरिएंटेशन सेशन चलता है, जो कि आपका उस समय बदरपुर में युगांतर हॉल करके इनका है, वहां चलता था, बट अनफॉर्चुनेटली जो ये पॉल्यूशन की वजह से बदरपुर को बंद करना पड़ा था, तो अभी 1-2 साल से बंद है, तो बदरपुर में वो चलता है। उसके बाद आपका 8 दिन का जो ओरिएंटेशन सेशन होगा, उसके बाद से आपको जिस भी ट्रेनिंग सेंटर अलॉट होगा, ऑल ओवर इंडिया इसके ट्रेनिंग सेंटर है हर प्लांट में, उसको
अगर एटीपीसी की लैंग्वेज में बोलेंगे तो ईडीसी बोलते हैं, एम्प्लॉय डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है। तो वहाँ पर जो भी ट्रेनीज होते हैं, अलग अलग बैचेस बनते हैं और हर जगह पोस्टेड होते हैं। तो हम लोगों का बैच का जो पोस्टिंग हुआ था मैकेनिकल वालों का, वो फरीदाबाद था, ठीक है। बहुत लोगों का फरक्का होता है जो कि बंगाल में है, बहुत लोगों का कहलगांव होगा जो कि बिहार में है, बहुत लोगों का ऊंचाहार होगा जो कि यूपी में है, बहुत लोगों का विंध्याचल होगा वो भी यूपी और एमपी बॉर्डर में है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में, हर प्लांट्स में एक ईडीसी सेंटर होता है। तो वहाँ पर जो नए ट्रेनीज होते हैं उनको ट्रेनिंग मिलती है। तो शुरू में आपके 6 मंथ तक क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको टेक्निकल नो हाउ, प्लांट्स कैसे ऑपरेट होते हैं, क्या पैरामीटर होते हैं, मतलब जो हम प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल जो पढ़ते हैं, जो गिल सर आपको पढ़ाते हैं कि कैसे टर्बाइन काम करता है, क्या टेम्परेचर प्रेशर हो, वहाँ आपको एक्चुअल वो पता चलेगा कि क्या है। तो वो सारे पैरामीटर उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हम लोग अभी तक जितना भी पढ़ते हैं थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में। तो वहाँ आपका 6 महीने तक ट्रेनिंग चलेगी, और एनटीपीसी की ट्रेनिंग वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग है इंडिया में, पीएससी में अगर हम बात करें तो, ठीक है। मैंने हार्डली किसी पीएससी को सुना है कि वो 1 साल का ट्रेनिंग देता है, एनटीपीसी परफेक्टली 1 ईयर का ट्रेनिंग देता है, ठीक है। अगर हम आईओसी की अगर बात करें तो आईओसी 3 या 4 मंथ का ट्रेनिंग देता है, उसके बाद आपको पोस्टिंग दे देता है, बट एनटीपीसी पूरा 1 साल की ट्रेनिंग देता है, उसके बाद आपको पोस्टिंग देता है। तो उस ट्रेनिंग में बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती है, मतलब रिगरस कहने का मतलब आप इंजॉय करेंगे, चीजों को जानेंगे। 6 मंथ आपका क्लासरूम ट्रेनिंग होगी, उसके एग्जाम्स होंगे, उसके साथ साथ एटीपीसी आपको केवल ओवरऑल डेवलप करेगी ट्रेनिंग में। ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब कि क्लासरूम तो होता ही है, साथ में आपका एक ड्रामा मॉड्यूल होता है ट्रेनिंग में, उसमें आप बहुत एंजॉय करेंगे, क्रिएटिविटी होती है उसमें, एनएसडी के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, आपको एक्टिंग के लिए ट्रेन करेंगे। फिर आपको जो आपका पूरा बैच होगा, जैसे हमारा फरीदाबाद का था, तो उस मॉड्यूल में ऑलमोस्ट वो 15-20 डेज चलता है। उसकी ट्रेनिंग के दौरान आपको स्क्रिप्ट लिखनी होती है, बहुत से बच्चों का उसमें इंटरेस्ट होता है, वो स्क्रिप्ट लिखते हैं, एक्टिंग करते हैं, और पूरा एक हमको थिएटर प्ले परफॉर्म करना होता है उस मॉड्यूल में, उसके बेसिस पे भी उसके मार्क्स होते हैं। तो ये अलग हटके है एकदम, आपकी मतलब ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम करता है। दूसरा एक और इसका अच्छा पॉइंट भी है कि आपका आउटबाउंड ट्रेनिंग होता है, वो भी 15 डेज का। तो उसके उसको आपका क्या है, किसी भी हिली एरिया में, जैसे फरीदाबाद का जो बैच था वो जनरली ऋषिकेश लेके जाते थे, ठीक है। तो वहाँ पर राफ्टिंग वगैरह है, माउंटेनिंग है, मतलब बहुत सारे एडवेंचरस जो भी हैं वो सारी चीज करवाते हैं। तो मतलब ये नहीं है कि केवल पढ़ाते हैं, वो ओवरऑल डेवलप करते हैं आपको 1 साल तक। और ये अगर ये कहावत है एनटीपीसी के अंदर कि अगर आप ट्रेनीज हैं एनटीपीसी के, तो एनटीपीसी के आप दामाद हैं, उस वो टाइम आपका गोल्डन टाइम है एनटीपीसी के अंदर, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद 6 मंथ आपका ऑन बोर्ड मतलब ट्रेनिंग होता है, वो प्लांट के अंदर होगा, उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में पोस्ट किया जाएगा सर्टेन टाइम तक, ताकि आप पूरा ओवरऑल नो हाउ कर सकें, कौन डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, किससे क्या इंटरलिंकिंग होती है, C&M कैसे काम करता है, फाइनेंस कैसे काम करता है, और ऑपरेशन कैसे काम करता है, मेंटेनेंस कैसे काम करता है, कोल्ड हैंडलिंग कैसे काम करता है। तो ये सारा का सारा आपको 1 साल में वो एकदम परफेक्ट कर देंगे। तो उसके बाद आपका रियल जो जॉब है, अकाउंटेबिलिटी आपकी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस टाइम से फिर आप पोस्टेड होते हैं। हाँ सर, कि अगर आप बता सके, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट वरी रहते हैं मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू, कोई ऐसी चीज है जो, कोई ऐसी क्रिटिकल चीज है जो किसी एस्पिरेंट को मेडिकल में एनटीपीसी ज्वाइन करने से रोक सकती है, तो अगर आप स्टूडेंट को जरूरत है? हाँ, उसमें एक क्रिटिकल चीज है कि आप का अगर वहाँ ये बॉडी मास इंडेक्स लेते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है, तो आपको रिजेक्ट नहीं करते हैं, बट कुछ टाइम देते हैं कि आप अपना वेट कम करके आइए, ठीक है। जो उनका लिमिट है उसके होगा, तो आपको टाइम देंगे, सर्टेन 1 महीने का टाइम देंगे कि आप कम करके आइए, फिर से वो चेक करेंगे, ले लेंगे। दूसरा है आपका कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस अगर होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये दो चीजें हैं जो कि, हाँ, कलर ब्लाइंडनेस वाले क्योंकि इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर अगर ऑपरेशन में आपको पोस्ट करते हैं तो वहां पर जो सिग्नल है वो आपके कलर्ड फॉर्म में आएंगे। रेड है तो मान लीजिए वो सर्विस में है, ग्रीन है तो वो सर्विस में नहीं है, येलो है तो उसमें कोई फॉल्ट आ गया। तो
तो ये आपको डिस्टिंग्विश करना है, तो उस बेसिस पे वो लोग करते हैं। लेकिन जो बंदे फाइनेंस के हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। इंजीनियर को क्वेश्चन मिलता है मेडिकल में, इतना ही है। इंजीनियर को नहीं, इंजीनियर को पाए फाइनेंस में जो चार्टेड अकाउंटेंट सर्टिफाइड है लोग हैं जो फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं वो ई फाइनेंस डिपार्टमेंट में पोस्टेड होते हैं। मतलब इंजीनियर एक तरह से एनटीपीसी से बाहर हो जाते हैं अगर उनको कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है तो। हाँ हाँ, तो एक जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इंटरव्यू क्वालिफाई होने के बाद आपने बताया कि एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है 7-8 दिन का, उसके बाद आप रिस्पेक्टिव सेंटर में पोस्ट कर दिए जाते हैं। फिर जब ट्रेनिंग बिल्कुल बिल्कुल आपका पूरा होता है तो ट्रेनिंग में कुछ इवैल्यूएशन होता है कि ऐसा कोई एग्जाम होता है जो आपको पास करना होता है या मतलब हाँ हाँ आफ्टर ट्रेनिंग आपका एक एग्जाम होता है, ऑल ओवर एनटीपीसी का एग्जाम होता है सारे ईडीसी सेंटर में। एनटीपीसी का जो दिल्ली हेडक्वार्टर है वहां से पेपर बन के आता है, उस पेपर को आपको पास करना होता है, ठीक है, और उसमें जो टॉप करता है वो गोल्ड मेडलिस्ट होता है, ठीक है, उस बैच का। तो हर स्ट्रीम में वहाँ टॉपर सेलेक्ट किए जाते हैं। तो जैसे मैकेनिकल है तो मैकेनिकल का गोल्ड मेडलिस्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट होगा, इलेक्ट्रिकल का गोल्ड मेडलिस्ट होगा जो ट्रेनिंग में टॉप करेगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग का एक रिटन एग्जाम होता है, वाइवा होता है, उन और आपका ड्रामा मॉड्यूल के मार्क्स और आपके आउटबाउंड ट्रेनिंग के मार्क्स, वहाँ भी एक्टिविटी होती है। उन एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको वहाँ उनके एवोलेटर रहते हैं, आपके मार्क्स देते रहते हैं। तो उस बेसिस पे आप जब टॉप करते हैं तो उनको स्पेशली दिल्ली बुला के चेयरमैन जो हैं वो उनका प्राइस सेरेमनी होता है, गोल्ड मेडलिस्ट को गोल्ड मेडल प्रदान करते हैं, ये सब होता है। तो ये जरूरी है वहाँ, ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग चल रहा है बस हो गया, नहीं, उसका एग्जाम होगा आपका। अगर आप एग्जाम में फेल करते हैं तो आपको री एग्जाम देना पड़ेगा, और री एग्जाम देने के लिए आपको अभी पहला एग्जाम जो होता है वो ईडीसी सेंटर में हो जाता है, लेकिन री एग्जाम अगर आपको देना है तो आपको दिल्ली आना पड़ता है वहां से जहां भी आप पोस्टेड हैं। अगर आप जब तक आप वो एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे आपको ट्रेनिंग में ही रखा जाएगा। अगर आप फेल करते हैं तो आपको री एग्जाम देना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग में रखा जाएगा, ये कब तक री एग्जाम देना पड़ेगा, उतने दिनों आपकी ट्रेनिंग एक्सटेंड हो जाएगी। नहीं तो ये कितनी बार जब तक आप पास नहीं कर जाते हैं, मतलब ऐसा कुछ नंबर अटेम्प्ट है जिसके बाद आपको ऐसा अभी एनटीपीसी में कभी ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोई बंदा पास ना कर पाए, हार्डली कोई ही फेल करता है, क्योंकि इतने इंटेलेक्चुअल पहले से ही जाते हैं, इतने गेट रैंकर होते हैं और वो सिलेबस इतना वास्ट नहीं होता है, इंटरेस्टिंग होता है, तो ऐसा होता नहीं है। बट मुझे अभी मैंने इतना रूल देखा नहीं है कि इतनी बार दे सकते हैं, बट ऐसा कभी हुआ नहीं कि ट्रेनिंग की वजह से उसको निकाल दिया गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हाँ, एक दो केसेस हुआ है जिनको दोबारा एग्जाम देना पड़ा है, तो दोबारा देके वो सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर से वो अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। बस ये होता है कि उतने दिन की उनकी ट्रेनिंग एक्सटेंड हो जाती है। तो आफ्टर वन ईयर ट्रेनिंग आपका पोस्टिंग कहाँ पे हुआ था? हम लोगों का वन ईयर के बाद पोस्टिंग मिलने का प्रोसीजर क्या है कि जो ट्रेनिंग में आपने परफॉर्मेंस की है स्टार्टिंग में उसके हिसाब से आपको पोस्टिंग मिलती थी, लेकिन जब हम लोगों का बैच आया तो आपकी गेट के रैंक के अकॉर्डिंग आपका जो 8 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था ओरिएंटेशन, उसमें डिसाइड हो जाएगा कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट मिलेगा। तो उसमें भी आपकी रैंकिंग बनती है जितने स्टूडेंट होते हैं, और प्रोजेक्ट में जो जो वैकेंसीज हैं उसके हिसाब से काउंसलिंग टाइप से होता है, और आपको रैंकिंग के हिसाब से आप चॉइस फिल करते जाइए, जो बचेगा लास्ट वालों को जो बचेगा वो मिलता चला जाएगा इस तरीके से। तो हम लोगों को जो मेरा मिला था, हम लोगों को बताया था कि ज्वाइनिंग के बाद 8 दिन जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलेगा उसमें ही आपका रीजन डिसाइड हो जाएगा। रीजन एनटीपीसी के रीजन देखेंगे तो बहुत रीजन में बटा है, जैसे ईस्टर्न रीजन 1, ईस्टर्न रीजन 2, नॉर्दर्न रीजन, एनसीआर रीजन, वेस्टर्न रीजन 1, वेस्टर्न रीजन 2, इनके अलग अलग प्लांट है। जैसे ईस्टर्न रीजन की बात करें तो आपका बाढ़ हो गया, कहलगांव हो गया, फरक्का हो गया। नॉर्दर्न रीजन की बात करें विंध्याचल हो गया, ऊंचाहार हो गया। तो इस तरीके तो आपका
गेट रैंक और गेट एनटीपीसी के इंटरव्यू, ये मार्क्स के बेसिस पे आपको रीजन अलॉट हो जाएगा, रीजन की काउंसिल। जैसे मान लीजिए हम लोगों को ईस्टर्न रीजन, मुझे हमारा जो बैच था फरीदाबाद वाला, उनको ईस्टर्न रीजन वाले लड़के थे, तो ईस्टर्न रीजन में और प्लांट कौन सा मिलेगा डिसाइड करके आपके कि आपने ट्रेनिंग में कैसा परफॉर्म किया है, उसकी रैंकिंग के हिसाब से प्लांट की काउंसलिंग होगी आपकी। ठीक है, तो आपकी गेट प्रोसीजर है, प्लांट गेट की रैंक के हिसाब से आपका रीजन मिल जाएगा और फिर आपकी ट्रेनिंग की रैंक के हिसाब से रीजन के अंदर आपको प्लांट अलोकेट होगा। तो आपका वो काउंसलिंग के थ्रू होता है। आपका मेरा बाढ़ में पोस्टिंग है। तो कौन से ईयर में आपका पोस्टिंग हुआ था, जो आपका करंट प्लान है? मार्च में हम लोग बाढ़ पहुंच गए थे, मार्च 2013। क्योंकि 6 मंथ का ट्रेनिंग फरीदाबाद में हुआ था, जो कि एकेडमिक ट्रेनिंग टाइप से होता है। उसके बाद मैंने बताया था कि वो प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग होता है, ठीक है, वो प्लांट में जाके ही होता है। तो इसलिए हम लोगों का जब वो खत्म हो गया था तो फिर प्लांट में जाके वो ट्रेनिंग शुरू हुआ, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो मिड 2013 से आप वर्क कर रहे हैं जो करंट प्लांट में। तो आप बता सकते हैं जब आपने ज्वाइन किया था तो आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या था, आपका पर्क्स कैसे थे, और अभी आप कम से कम उस प्लांट में समझ से 7 साल काम कर चुके हैं, तो अभी मतलब जो सैलरी और पर्क्स में पिछले 7 साल में आपका क्या ग्रोथ हुआ है, कैसे आपका प्रमोशन हुआ है? जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो उस समय 6th पे था, ठीक है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 2017 में, आई थिंक 7th पे आया है, ठीक है। तो उस समय जो पे स्केल चल रहा था एनटीपीसी का, भारत में स्टेटस था तो 22,000 पे स्केल था, तो उस समय हम लोगों की सैलरी ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास बनती थी, ठीक है। और ट्रेनिंग के दौरान पर एनटीपीसी में एक चीज और होती है कि आपका पीएफ का जो अमाउंट है, प्रोविडेंट फंड जो होता है, वो नहीं डिडक्ट होता है, तो इसलिए इंटेक्स सैलरी थोड़ा सा बढ़ जाती है, ठीक है। पूरी की पूरी सैलरी आपको मिलती है, तो उस हिसाब से आपका उस समय जो आपका बेसिक था, डीए था, और जो पक्स थे, वो पक्स नहीं मिलते हैं आपको ट्रेनिंग के दौरान। नहीं, तो जब आपने ज्वाइन किया तो आपका इनहैंड सैलरी कितना था, जब आपने ज्वाइन किया था कितना सैलरी था आपका? आपका शायद वॉइस कट हो रहा था। कितना? 50,000। 50,000 आपको इनहैंड मिलता था? हाँ हाँ, एक साल तक ट्रेनिंग के दौरान। ट्रेनिंग के दौरान 50,000। ट्रेनिंग के बाद जब आपने ज्वाइन किया तब आपका इनहैंड सैलरी कितना था? ट्रेनिंग के बाद आपका उसमें आप जोड़ लीजिए कि लगभग आपका 65 के आसपास पहुंच जाएगा, क्योंकि आपको 65,000 आपको मिलता था ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद। फिर प्रमोशन स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब लास्ट 7 इयर्स में आपका प्रमोशन कैसे गया है? प्रमोशन आपका जैसे ही आप ट्रेनिंग खत्म होंगे तो आपको असिस्टेंट मैनेजर रैंक पर किया जाएगा, पोस्ट होगी आपकी असिस्टेंट मैनेजर होगी, ठीक है। उसके बाद 3 साल बाद पहला प्रमोशन होगा, जो कि आपको डिप्टी मैनेजर बनाएगा। फिर नेक्स्ट 3 ईयर में प्रमोशन होगा मैनेजर, ठीक है। तो अभी करेंटली मैं मैनेजर की पोस्ट पर हूँ, तो ये मेरा 8 साल हो गया, तो 1 साल ट्रेनिंग निकाल दीजिए, 6 साल हो गया, तो मेरा 2 प्रमोशन हो चुका है। करंट में आप असिस्टेंट मैनेजर से फिर और डिप्टी मैनेजर, और करंट में आप मैनेजर हैं। यस। तो 60,000 से लेके अभी आपका इनहैंड सैलरी कितना आता है और आपका ग्रॉस कितना है अभी? अभी आप अगर ग्रॉस की बात करेंगे तो 1.55 के आसपास आपका 1.55 लाख के आसपास, और इनहैंड की बात करूंगा तो 125 के आसपास मिल जाता है। 125 आपको इनहैंड मिल जाता है एंड 1.55 आपका ग्रॉस है, और आपका लगभग 2 प्रमोशन हुआ है इस ड्यूरेशन में। तो अगर मैं वहां का वर्क लाइफ का बात करूं तो आपका अकोमोडेशन वगैरह सब एनटीपीसी प्रोवाइड करता है वहां पे? हाँ, एकोमोडेशन एनटीपीसी या टोटल टाउनशिप होती है, तो टाउनशिप की मैं बात बता दूं कि एनटीपीसी टाउनशिप वन ऑफ द बेस्ट टाउनशिप,
आपको सारी एक ड्रॉबैक ये है कि आप ये जो पावर प्लांट्स होते हैं ये सिटी के अंदर तो होते नहीं, थोड़ा सिटी से बाहर रहेंगे जहां भी रहेंगे, ठीक है, विद इन 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर ऐसे करके सिटी से बाहर रहते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट का दिक्कत होता है सिटी के अंदर। लेकिन वहां पर जो टाउनशिप है वहां आपको फील नहीं होगा कि आप सिटी से आउटर में है। टाउनशिप में आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, टाउनशिप में आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, टाउनशिप में आपको रिक्रिएशन क्लब्स मिलेंगे, टाउनशिप में आपको स्विमिंग पूल मिलेंगे, टाउनशिप में आपको थिएटर मिलेंगे, ठीक है। कहीं कहीं तो हमारा इतना अच्छा थिएटर है कि जैसे मूवी रिलीज होती है उस सेम डे आपको वहां देखने को मिल जाएगी। तो ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है, वो सिटी से आउट और आपको रहने का मिलेगा, ठीक है। कमिंग टू मेडिकल फैसिलिटी कैसा होता है एनटीपीसी? मेडिकल फैसिलिटीज जो एनटीपीसी का नॉर्म्स है वो जो एम्प्लॉय है उसका, उसका जो स्पाउस है उसका, और उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, डिपेंडेंट्स में आपका अगर आपके फादर मदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो वो डिपेंडेंट्स हैं, ठीक है। उसका रूल है कि आपके फादर मदर कम्युलेटिव इनकम 33K से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मंथली, ठीक है, तो वो आप पे डिपेंडेंट होंगे और उस का मेडिकल का जो भी खर्चा होगा एनटीपीसी टेक केयर करेगा। और आपके अगर बच्चे हैं तो बच्चों का भी अप टू द, जब तक कि वो सेटल नहीं हो जाते हैं या सर्टेन एज है जैसे 25-26 तक, उसके बाद वो बंद कर देते हैं, अगर या तो वो इंडिपेंडेंट सेटल हो जाएं या उसके बाद उनको देना बंद कर दिया जाता है। जब तक वो डिपेंडेंट रहेंगे पेरेंट्स के ऊपर तब तक उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, और मेडिकल फैसिलिटी के यह अनलिमिटेड है। ऑल ओवर इंडिया इसके इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं, जो भी आपके अच्छे से अच्छे ब्रांडेड हॉस्पिटल हैं, अपोलो है आपका, वेदांता है, जितने भी आप फॉर्टिस है, कोई भी हॉस्पिटल का जो है वो सारे के सारे इम्पैनल्ड है हमारे। तो अभी रिसेंटली एक और चीज़ एनटीपीसी ने किया है, पहले आपको अगर बाहर कहीं दिखाना होता था हॉस्पिटल में तो आपको जिस प्लांट में आप पोस्टेड हैं वहाँ आपको रिफरल लेना पड़ता था, वहाँ के सीएमओ आपको रिफर करेंगे फिर जाके आप उस हॉस्पिटल में दिखाएंगे एडमिट होंगे, ये होता था। उसको अवॉइड करने के लिए अभी एनटीपीसी ने एक मेडिकल कार्ड लेके आ गए हैं, वो मेडिकल कार्ड में आपका बायोमेट्रिक है, आपके डिपेंडेंट्स का भी मेडिकल कार्ड बन गया, वो एक टाइप से एटीएम है, मेडिकल एटीएम समझ लीजिए। आप उस इम्पैनल्ड हमारे इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाएंगे, उसको आप स्वाइप करेंगे, आपका इलाज शुरू हो जाएगा आईपीडी के लिए, ओपीडी में वो नहीं चलेगा। तो ये फैसिलिटीज हो गई है, ये इसका फायदा ये हुआ कि आपके मान लीजिए पेरेंट्स आपके साथ नहीं रहते हैं, पेरेंट्स आप मान लीजिए बाढ़ में पोस्टेड हैं, पेरेंट्स आपके दिल्ली रहते हैं, लखनऊ रहते हैं, कानपुर रहते हैं, तो आप कैसे उनका रेफरल बनवाते बाढ़ आके सीएमओ से, तो वो चीज को टेक केयर करने के लिए उनको एक कार्ड दे दिया गया है। वो कहीं भी कानपुर में कोई इंपैनल हॉस्पिटल होगा या लखनऊ में इंपैनल हॉस्पिटल होगा, दिल्ली में इंपैनल हॉस्पिटल, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी है, वो जाके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं अगर आईपीडी की जरूरत है। ओपीडी में अगर है आपका तो आप जाइए, बिल पेमेंट कीजिए, वो बिल की कॉपी लीजिए, और जो भी आपका मान लो वो डिपेंडेंट्स हैं, जो भी एम्प्लॉय है एनटीपीसी उनका रिलेटिव जो भी, वो उसको क्लेम करेगा और एनटीपीसी उसको रिमबर्स कर देगा, ये ओपीडी का प्रोसीजर है। अगर मैं वर्क लाइफ बैलेंस का बात करूं तो वर्क लाइफ बैलेंस एनटीपीसी में कैसा है, कितने दिन का मतलब कितने दिन आपको काम करना रहता है और कैसा कैसा टाइमिंग रहता है आपका जो अगर आप प्रोजेक्ट्स में हैं जहां पर जनरेशन होता है तो आपको मंडेज ऑफ मिलेगा, और अगर आप रीजनल ऑफिस या दिल्ली ऑफिस में हैं तो 2 डेज रहता है, और आपका जो वर्किंग टाइम पर डे वर्किंग टाइम है तो यहाँ पर 2 टाइप का वर्किंग होता है, एक बोलते हैं जनरल शिफ्ट जिसमें कि आपको 9-9 बजे आना होता है और 6 बजे जाना होता है, बीच में 1 घंटे का लंच मिलेगा, और एक होता है शिफ्ट वर्किंग, ठीक है, क्योंकि एनटीपीसी जानते हैं हमको 24x7 लाइट की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे प्लांट भी 24x7 चलना चाहिए, उसके लिए ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है जो चलाता है, उनकी जो ड्यूटी होती है वो शिफ्ट ड्यूटी होती है। तो यहाँ शिफ्ट चलती है 3 टाइप की, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और नाइट, ठीक है, तो जो ऑपरेशन में है उनको नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है,
लेकिन हाँ नाइट शिफ्ट करते हैं तो आपको नाइट शिफ्ट अलाउंस अलग से मिलता है, उसको कंपनसेट किया जाता है फाइनेंशियल टर्म में। जो जनरल शिफ्ट में काम करेगा उसको नाइट शिफ्ट अलाउंस नहीं मिलता है। तो ये है वर्किंग स्टाइल वहाँ का। कमिंग टू प्रमोशन, जैसे मान लो प्लांट टू, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में प्रमोशन का क्या प्रोसेस रहता है, इजी रहता है, या कितने समय बाद प्रमोशन मिलता है, सॉरी कितने समय बाद आप एक प्लांट से ट्रांसफर प्लांट आपका ट्रांसफर हो सकता है? का जो मैंडेटरी ट्रांसफर है वो, अगर एक प्लांट में आप 10 साल काम कर लिए हैं तो आपको मैंडेटरी ट्रांसफर हो जाएगा। अदरवाइज अगर मैनेजमेंट को जरूरत है कि आपका कहीं भी भेजना है, आपकी एक्सपर्टीज ऐसी है या ऐसी रिक्वायरमेंट है, तो आपको कभी भी ट्रांसफर कर सकता है, जनरली नहीं करता है। और 10 साल के बाद मैंडेटरी है कि आपका ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपकी कोई मेडिकल दिक्कत है, आपका कोई ऐसा रीजन है जिसकी बेसिस पे आप रिक्वेस्ट ट्रांसफर का अप्लाई कर सकते हैं, तो उस बेसिस पे भी आपका ट्रांसफर हो जाएगा। और एक और अच्छा रूल आ गया है, अगर आप और आपका स्पाउस अगर एनटीपीसी में काम कर रहा है, इससे पहले नहीं था, अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले ये रूल आया, तो उस समय अलग अलग वर्क अलग अलग प्लांट में आप पोस्टेड हो गए तो आपको बहुत दिक्कत होती थी, साथ आने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, ये सब बहुत थोड़ा सा प्रोसीजर था। अभी क्या है, अभी अगर स्पाउस हैं आप तो आपको एक ही प्लांट में कर देगा, आप जैसे ही रिक्वेस्ट डालेंगे विदिन, जो भी इनका जो ट्रांसफर लिस्ट निकलती है रिक्वेस्ट वाली, वो 6 मंथली निकलती है, तो 6 मंथ में आपका एक साथ हो जाएगा, आइदर किसी एक को दूसरे प्लांट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा है, जो दोनों लोग अगर एनटीपीसी में काम कर रहे हैं तो उनको अब अलग अलग रह के काम करने की जरूरत नहीं है। कमिंग टू हायर स्टडीज पार्ट, तो क्या एनटीपीसी जो अपने एम्प्लॉयज हैं उनको हायर स्टडी का मौका देता है, या वहाँ हायर स्टडीज के लिए कैसा अपॉर्चुनिटी है, अगर कोई कैंडिडेट एनटीपीसी ज्वाइन करने के बाद अगर हायर स्टडीज के लिए देखता है तो? अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन करने के बाद हायर स्टडीज करना चाहता है तो उसको मिनिमम 5 ईयर या 4 ईयर काम होना चाहिए उसका। ये नहीं कि आप ज्वाइन किए हैं, ट्रेनिंग किए हैं और हवाई स्टेज आपको नहीं देगा, ये क्राइटेरिया है। उसके बाद आपका वहाँ पर दो टाइप की हायर स्टडीज जो स्पॉन्सरशिप करती थी एनटीपीसी, तो एक आपका पावर इंजीनियरिंग में आईआईटी दिल्ली से एमटेक का स्पॉन्सरशिप करती थी, दूसरा आपका मैनेजमेंट के लिए, अगर आपको मैनेजमेंट कोर्स करना है तो उससे पहले एमडीआई गुड़गांव मैं आपको स्पॉन्सर करता था एमबीए के लिए। लेकिन अभी कुछ सालों से एनटीपीसी ने अपना एक मैनेजमेंट स्कूल खोल लिया, एनटीपीसी बिजनेस स्कूल, ठीक है, जो कि दिल्ली में है। तो अब जो हमारे एम्प्लॉय हैं जो एमबीए करना चाहते हैं उनको वहां से एमबीए करवाया जाता है, इंटरनल फॉर्म निकलता है, इंटरनल प्लांट्स में अप्लाई करते हैं, उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट होता है और इंटरव्यू होता है, उसके बेसिस पे आपको वहां पर एडमिशन मिलता है। तो एडमिशन के दौरान अगर आपको आप एनटीपीसी बिजनेस स्कूल से एमबीए करने जा रहे हैं तो आपको वहां पर सैलरी भी मिलती रहती है। तो आपने एनटीपीसी के बारे में काफी चीजें डिस्कस किया। और एक और अच्छा है, अगर आप स्टडी करने जाते हैं तो आपका वहां पर सीनियरिटी भी मेंटेन रहती है। तो हम लोग हरेश सर से बात कर रहे थे जो कि पिछले 7-8 साल से एनटीपीसी में पोस्टेड है, तो इस सेशन से, इस डिस्कशन से आपको पता लगा होगा कि मेनली इस सेशन का पर्पस, बहुत सारे स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि पीएसयू ज्वाइन करने के बाद का कैरियर कैसा है और पीएसयू ज्वाइन करने के बाद उनका लाइफ कैसा रहेगा। तो ये सेशन करने का पर्पस ये था कि जो स्टूडेंट के दिमाग में ऐसा डाउट था कि भाई पीएसयू का लाइफ कैसा होता है, पीएसयू ज्वाइन करने के बाद 8-10 साल बाद आपका लाइफ कैसा रहेगा, आपके पास कैसा करियर अपॉर्चुनिटीज रहेगा, इन सारी चीजों पे उन लोगों को डाउट रहता है। तो आई होप कि सेशन में बहुत सारे बच्चों को ये चीज क्लियर होगा हुआ होगा कि अगर आप एनटीपीसी ज्वाइन करते हैं तो आपका कैरियर आगे 8-10 सालों में कैसा होने वाला है। सर ने बताया कि जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो ट्रेनिंग में 50,000 मिलता था, इन हैंड ट्रेनिंग के बाद 60,000 मिलता था, अभी उनका ग्रॉस जो सैलरी है 1.55 के आसपास। पे कमीशन आता है, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिसाइड होता है, गवर्नमेंट कितना इंक्रीज देता है, वो एक चीज और है जो आपको मिलता है इसमें,
हर साल आपको बोनस मिलेगा आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। अगर आपकी कंपनी अच्छा प्रॉफिट करती है तो आपको अच्छा वो अमाउंट, जैसे जैसे आप सीनियरिटी में बढ़ते हैं अच्छा खासा अमाउंट होता है। अगर मैं बात करूं कि जो एजीएम्स वगैरह हैं उनकी अगर बोनस की बात करूं तो उनका लगभग 25-26 लाख तक बोनस हो जाता है, बोनस मिलता है तो ये जो पर आपका ये। 60,000 जो 1.55 आया, इसमें एक पे कमीशन भी है। पे कमीशन लगने के बाद ये सैलरी का हाइक है। इस प्रोपोर्शन में सैलरी हाइक नहीं भी हो सकता है यदि आपका 8 साल के दौरान में पे कमीशन नहीं लगा हुआ है। हाँ लेकिन 10 साल में पे कमीशन लगना है, ये रूल है। तो आप हो सकता है बीच में ज्वाइन किया तो मिडिल में आपको पे कमीशन मिले, या हो सकता आप इसी टाइम पे ज्वाइन किया कि 10 साल बाद ही मिले, वो आपके ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग होगा। तो आई होप कि ये सेशन स्टूडेंट्स के लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, उन्हें काफी कुछ चीजें पता चला होगा कि एनटीपीसी ज्वाइन करने के बाद कैसा लाइफ रहेगा। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए और ऐसे सेशन चाहिए जहां आप ये जानना चाहते हैं कि आगे कोई भी पीएचडी ज्वाइन करने के बाद लाइफ कैसा रहता है, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताएं। हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को कनेक्ट करेंगे जो ऑलरेडी 6-7 साल से पीएचडी में वर्किंग है, तो वो आपको एक रफ आइडिया दे सकेंगे कि पीएसयू ज्वाइन करने के बाद आपका करियर प्रोस्पेक्ट कैसा रहेगा। अरिंद सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक थैंक यू यू फॉर गिल, दिस सेशन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस सेशन, थैंक यू।